हेलो, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी, यानी एक ज़बरदस्त ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी आपके लिए बताने जा रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शंस बाई करना प्रेफर करते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उससे आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत जगह जो आपको नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता है, उस ट्रैप से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, उस ट्रैप से अपने आप को बचाना सीख गए तो काफ़ी हद तक अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। और लॉसेस को अवॉइड करने का मतलब है कि आप अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर आए और इसके बेसिस पर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शंस में। आप वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हो उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हो उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। जैसा भी ट्रेड लेना है वो आपके ऊपर, आप यहाँ पे आसानी से ट्रेड ले सकते हो। इस पोर्शन पे देखिए प्राइस आपका क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जबरदस्त हमें क्या देखने को मिला, बाइंग जबरदस्त देखने को मिला है और प्राइस आपका अपसाइड की तरफ गया। अब जो भी लोग इस पोर्शन के आसपास बाई किए होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप में फंस गए होंगे। यहाँ पे जो भी लोग कॉल बाई किए होंगे वो यहाँ पे ट्रैप में डेफिनेटली फंस गए होंगे, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर गया और इतना ऊपर जाने में कॉल बायर्स को कुछ भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। फिर प्राइस नीचे आया होगा और आपका यहाँ पे एसएल डेफिनेटली हिट हुआ होगा। तो मैं आपको वैसा स्ट्रेटजी, वैसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप इस तरह के ट्रैप से बच सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन में जो आपको लॉस उठाना पड़ता है उस लॉस को आप काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी का। देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट वाला चार्ट है। यहाँ पे भी देखिए प्राइस आपका नीचे से ऊपर तक आ रहा है और यहाँ पे हमें ज़बरदस्त काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल भी दिखा है। और इसको देख के या फिर इस पीरियड में क्या होंगे, बहुत सारे लोग बाई साइड की तरफ गए होंगे और यहाँ पे जो भी लोग बाई साइड की तरफ गए होंगे, कॉल ऑप्शंस बाई किए होंगे, वो यहाँ पे क्या होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप में डेफिनेटली फंसे होंगे। और ट्रैप में फंसने का मतलब है कि यहाँ पे लॉस जरूर हुआ होगा। तो क्या कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे हम इस चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, जो ट्रैप हो रहा है, इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ इस सिचुएशन में आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसका भी आपको आइडिया ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो यहां पे अब हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जिसका नाम है पाइवट पॉइंट। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना और इसी के बेसिस में आपको बताऊंगा ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पे आप ट्रैप से बच सकते हो, किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स पे जाना और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना, पाइवट पॉइंट ऐड करना। और किसी भी ब्रोकरेज फॉर्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट लाइन देखने को मिल रहा, तो सारा व्हाइट लाइन हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सपोर्ट, कुछ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा, तो कोई कभी भी सपोर्ट, कोई कभी भी रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये आपका जब प्राइस इसके आसपास था तो ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे गया, ये सपोर्ट लाइन किस में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर रीजन के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन बन गया। और उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, वापस ये रेजिस्टेंस लेवल किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक ही लाइन कभी आपका सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, प्राइस जिस पर्टिकुलर लाइन के नीचे रहेगा वो लाइन आपका रेजिस्टेंस लाइन होगा, जिस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर रहेगा वो लाइन आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बस इतना आपको समझ लेना। और इसके बेसिस पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था, चलिए इसको हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, इसके बाद यहाँ पे प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा होगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन आपने क्या देखा,
अगर हमने पाइवट पॉइंट ऐड किया तो इसके जस्ट ऊपर हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। तो क्या यहाँ पे हम बाई करेंगे? यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ दिखेगा तभी हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब देखिए जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें ऊपर में टेल देखने को मिल गया, यानी बायर्स यहाँ पे कमजोर हुए। मतलब रेजिस्टेंस लेवल के पास क्या देखने को मिल रहा है, बायर्स में कमजोरी यानी बायर्स में वीकनेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला कैंडल फिर भी ऊपर गया और वापस से क्या किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया और ऊपर में अच्छा खासा लॉन्ग टेल बना दिया है। तो लॉन्ग टेल एट द टॉप का क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स कमजोर जरूर है, लेकिन ये हमें एट द सेम टाइम ये भी हिंट देता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, यानी सेलर्स का प्रेजेंस यहाँ पे हमें दिख गया है। तो जब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और बायर्स में कमजोरी देखने को मिल रहा है और वो भी कहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम रेड कैंडल फॉर्मेशन का वेट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका रेड कैंडल फॉर्म किया है और रेड कैंडल फॉर्म करते ही हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। हम चाहे तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर सकते हैं, अगला कैंडल जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। और इस लेवल की बात करें तो लगभग ये आपका 16,680 करीब ये लेवल है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, फ्यूचर्स में भी जा सकते हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सेल साइड की तरफ जाना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इन द मनी पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस बाइंग करना वो 16,700 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे आपको बाइंग करना प्रेफर करना है। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हमने कर लिया, हमें स्लाइटली इन द मनी पुट ऑप्शंस या फिर कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे दो कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हार्डली आप ATM पे जा सकते हैं या नहीं तो ITM, स्लाइटली जो ITM है इस तरह का 680 ले रहे हैं, जस्ट आपका 20 पॉइंट ITM है, यहाँ पे प्रीमियम भी आपको अच्छा खासा होगा और आप पार्टिकुलरली इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस भी बाई करें। तो इस तरह का अगर मिलता है तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और गलती से भी आपको OTM पे नहीं जाना, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस का क्या कर लिया, सिलेक्शन भी यहाँ पे हमने काफ़ी आसानी से कर लिया। अब देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा और हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा, 16,640 से स्लाइटली नीचे होगा, यानी यहाँ पे हम 16,035 के आसपास रख लेते हैं। तो हमने 680 पे सेल किया और मुझे जो प्रॉफिट मिलवा लगभग 45 पॉइंट के करीब प्रॉफिट मिलवा, कहाँ पे, फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस में अगर हम एट द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी लेते हैं तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, लगभग 25 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे ऑप्शंस में भी मिल जाएगा। और 25 पॉइंट का प्रॉफिट सफिशियंट होता है और यहाँ पे आपको बहुत जल्दी मिल रहा, मोमेंटम के साथ मिल रहा। देख सकते हैं कितने देर मिला, पहला ही कैंडल आपका प्रॉफिट दे दिया, यानी अगले 5 से 10 मिनट में ही आपको प्रॉफिट मिल गया, ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको कम समय तक मार्केट में बने रहना पड़ेगा। आपको एक पार्टिकुलर लेवल, एक मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा, उस मोमेंटम में एंट्री लीजिए और प्रॉफिट लेके निकलिए, क्योंकि जितना देर मार्केट में बने रहोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक ट्रेड का इंतजार करते रहते हैं, यानी कई कई बार वो हफ्तों तक एक ट्रेड का इंतजार करते हैं, जैसे उनको उनके मन मुताबिक ट्रेड मिलता है उस ट्रेड में वो पूरे महीने का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जैसे आपको मोमेंटम वाला ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करके वहाँ से सारा प्रॉफिट एक ही बार में निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वापस से क्या हुआ, कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न दिखा, प्राइस आपका इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे गया। तो यहाँ पे हम चाहे तो वापस से एक बार और क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। यहाँ पे 16,650 का पुट ऑप्शंस बाई करेंगे और यहाँ से भी प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे गिरा, यानी यहाँ पे भी हम 16,600 के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं। आपका फ्यूचर्स में या स्पॉट में 50 पॉइंट का मूव कहाँ पे दे देगा, ऑप्शंस में आपको लगभग 30 पॉइंट का मूव दे देगा। यहाँ पे भी हम 30 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, यहाँ पे लोगों के लिए क्या बिछाया गया था, ट्रैप बिछाया गया था, और जब हमने पहले देखा था इसके कारण से हम क्या कर रहे थे, लॉस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉस को एवॉइड किया, लॉस को बाहर फेंका, और इस प्राइस एक्शन को समझते हुए लॉस को हमने किस में कन्वर्ट किया, लॉस को हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है।
तो इस तरीके से अगर आप पहले 10 ट्रेड ले देते और आपको 8 में नुकसान होता था, 2 में प्रॉफिट होता था, तो अगर आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे अपने एक्यूरेसी लेवल को 6:4 कर सकते हो, आप यहाँ पे 4 में प्रॉफिट बना सकते हो और 4 में लॉस हो सकता है। तो धीरे धीरे आपका एक्यूरेसी लेवल इसी तरीके से इंक्रीज होता चलेगा, कब, जब आप लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे तो। और यहाँ पे हमने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और इसके साथ साथ इस मोमेंटम को समझते हुए इस इंडिकेटर के बेसिस पे एक और हमने प्रॉफिट बना लिया, मतलब यहाँ पे हमने डबल प्रॉफिट बना लिया। इसी तरह का सिचुएशन आपको कई बार देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के भी 5 मिनट चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे भी देखिए यही सिचुएशन मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे भी प्राइस आपका स्लाइटली क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मतलब कैंडल आपका गैप अप खुला, उसके बाद आपका प्राइस आपका अपसाइड की तरफ गया और पहला 5 मिनट पे बहुत कम लोग एंट्री ले पाते हैं। और ये कैंडल देखने के बाद सारे लोग क्या सोचे होंगे, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया और आपको कई जगह से रिकमेंडेशन भी आया होगा कि ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे बाई कर लो। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा रिस्टेंस लेवल अभी काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला। उसके बाद अगला कैंडल जैसे ही आपका फॉर्म हुआ, ग्रीन जरूर फॉर्म हुआ लेकिन ऊपर में लॉन्ग टेल बना दिया, और अभी हमें जस्ट देखा कि ग्रीन कैंडल विथ लॉन्ग टेल एट द टॉप, ग्रीन हो या रेड हो, लॉन्ग टेल एट द टॉप का मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि प्राइस जब भी आपका इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अभी सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल को जैसे ही ब्रेक करके नीचे आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। उसके बाद देखिए अगला वेट कैंडल फॉर्म किया, यानी जो हम उम्मीद कर रहे थे सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने अपना प्रेजेंस भी दिखा दिया, अपना सकल भी दिखा दिया वेट कैंडल के रूप में। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे। सेल साइड की तरफ जाने का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखिए क्या है, 36,950 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37,000 स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शंस यहाँ पे हम बाय करेंगे, क्या कि हमने स्लाइटली इन द मनी पुट ऑप्शंस को बाय किया। उसके बाद टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट अगला जो भी पिवट पॉइंट है ये होगा, यानी होगा हमारा लगभग 36,625 के करीब। तो यहाँ से ऑल द वे लगभग आपका 400 पॉइंट का गिरावट दिखाया है, और 400 पॉइंट का गिरावट का मतलब है कि आपको ऑप्शंस में भी स्लाइटली इन द मनी है, यहाँ पे भी लगभग आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा, और 200 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से जहाँ पे आपको क्या हो सकता था, जहाँ पे आप लॉस कर सकते थे, उस लॉस को हमने 200 पॉइंट के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। और यही चीज़ आपको सीखना, और यही चीज़ आपको रियल टर्म्स में प्रॉफिट बना के देगा। जहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट बना के आप यहाँ से पैसा बटोर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग सिचुएशन में फेस करने आ जाए कि अलग अलग सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी सिचुएशन को रिपीट नहीं करता। हमारा वीडियो का लेंथ लंबा जरूर होता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन को समझा दूँ ताकि आपको वो अच्छे तरीके समझ में आ जाए। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्राइस आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अब हमें देखना है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, ये कैंडल आपका क्या बनाया, सॉलिड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, मतलब यहाँ पे बायर्स में हमें क्या देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे बायर्स में कमजोरी देखने को हमें नहीं मिल रहा है, बायर्स में स्ट्रेंथ बना हुआ है। उसके बाद अगला कैंडल में भी हमें स्ट्रेंथ बना हुआ, यही कैंडल आपका ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर अगला कैंडल जैसे ही इसके क्रॉस करके ऊपर निकला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। मेरा जो बाइंग लेवल होगा लगभग होगा आपका 16,545 के करीब, हमारा क्या हो जाएगा, बाइंग लेवल होगा अगर हम स्पॉट की बात करें तो। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, क्या करना, स्लाइटली इन द मनी जाना है, तो यहाँ पे आपको 16,500 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शंस यहाँ पे आपको बाइंग करना प्रेफर करना है।
उसके बाद हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, ये हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा, यानी होगा लगभग आपका 16,580 के करीब, या फिर यहाँ पे आप 16,600 के करीब भी यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का टारगेट प्राइस है स्पॉट में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे लिए कितना होगा, ऑप्शंस में हमारे लिए यहाँ पे लगभग होगा 25 से 30 पॉइंट का टारगेट प्राइस यहाँ पे होगा। इतना टारगेट प्राइस लेने के बाद हम चाहे तो निकल सकते हैं, यानी तो आप 5 से 10 पॉइंट का कुर्बानी देके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट तो सिक्योर है ही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न है कि कब हमें मोमेंटम के साथ जाते हुए बाई साइड की तरफ जाना, ये भी आपने समझ लिया, और कब यहाँ पे जो आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता उस ट्रैप से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, देखिए प्राइस क्या किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला है, लेकिन यहाँ पे भी एक भी ग्रीन कैंडल हमें इस तरह का स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन लें, प्राइस तो इसके ऊपर निकल गया, अच्छा खासा टाइम रुका भी है, लगभग आपका 5 से 10-15 मिनट रुका भी है, लेकिन इसके बाद वापस से नीचे साइड की तरफ आया, और जो भी लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाय किए होंगे उनको क्या किया, उनको यहाँ पे ट्रैप में फंसाया और अल्टीमेटली क्या करवाया, लॉस करवाया। तो इस तरीके के लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं पिवट पॉइंट इंडिकेटर को यूज करके। अब इस इंडिकेटर को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना और कब इसके बेसिस पे ट्रेड लेना, कब इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना, ये वो नहीं जान पाते। एज ए रिजल्ट सब कुछ जानने के बाद भी आप नुकसान कर बैठते हैं। तो नॉलेज होना जरूरी नहीं है, मार्केट में नॉलेज से पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन आना चाहिए। अगर आप अपने नॉलेज को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो आपको ये लॉस जरूर देगा। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी वही हुआ, कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा, प्राइस इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला और इसको सपोर्ट में बना दिया, और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा, देख सकते हैं ये भी स्ट्रेंथ वाला ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ वाला ग्रीन कैंडल है, यानी इस लेवल पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे इन द मनी वाला, और फिर आपका प्राइस ऊपर साइड की तरफ गया, ये टारगेट प्राइस होगा, अच्छा खासा टारगेट प्राइस है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट स्पॉट में मिल रहा, और ऑप्शंस की बात करें लगभग 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमें ऑप्शंस में मिल जाएगा अगर आप स्लाइटली इन द मनी ऑप्शंस लेते हैं तो। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वापस से सारा आपका क्या है, निफ्टी का 5 मिनट वाला ही चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका इस लाइन और इस लाइन, इस दोनों के बीच में ही ओपन हुआ, ये आपका सपोर्ट लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। जब इसके बीच में ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि कब हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी पोजीशन में ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे वो नुकसान कर बैठते हैं। जब भी मार्केट आपका रेंज बाउंड रहेगा तो आप यहाँ पे ऑप्शंस बाई करोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, चाहे आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाई कर लो, पुट ऑप्शंस कुछ भी बाई कर लो, आपका प्रीमियम डीके होना जरूरी है, होना लाजमी है, और एज अ रिजल्ट आप नुकसान में रहेंगे। तो जब भी मार्केट आपका दो पिवट पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, समझ जाइए कि रेंज बाउंड मार्केट है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस बाइंग नहीं करना। आप चाहो तो यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो 10-15 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए, लेकिन ऑप्शंस में गलती से भी यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्जीक्यूशन है उतना ही इंपॉर्टेंट कब हमें ट्रेडिंग नहीं लेना है। अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो स्पेशली टेस्ट मैच में बॉल छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाउंड्री और सिक्सर मारना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग कब नहीं करना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको प्रॉफिट बनाना जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी प्रॉफिट बना लो इस पोर्शन को नहीं सीख पाओगे तो सारा प्रॉफिट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस पोर्शन में ऑप्शंस बाइंग से रिलेटेड जो भी चीज़ था सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पिवट पॉइंट को यूज़ करते हुए ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं और ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे और भी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।